Good afternoon, everyone. It's your English class, and today we are going to study our next chapter regarding verbs. So let's start. Chapter 13, verbs. So let's understand what are the verbs. A verb is used to say or assert something about a person or thing. It says what a person or thing does, what a person or thing is, or what a person or thing has. A verb denotes doing, being, and possessing. So, dear students, simply we have to understand which word shows that doing, being, or possessing, that is called a verb. ऐसा वर्ड जो किसी काम के करने को रिप्रेजेंट करता है या सब्जेक्ट के कुछ होने को दिखाता है या सब्जेक्ट के पास कुछ होने को दिखाता है, वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वर्ब्स कहलाते हैं. सम एग्जांपल्स आर रिटन हियर, लाइक बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. दिस फ्लाई वर्ड दैट इज वर्ब. व्हाई? बिकॉज इट इज शोइंग द डूइंग. दैट्स व्हाई दैट इज अ वर्ब. See the next sentence. The shopkeeper cheated me. That's also showing the doing. That's why that is a verb. Suppose I say the birds fly in the sky. So birds क्या काम करते हैं? उड़ने का, कुछ काम को करने का. जो word करना show करें उसको हम doing verb बोलते हैं, यानी कि verb बोलते हैं. The shopkeeper cheated me. Shopkeeper ने क्या काम किया? Cheat करने का, धोखा देने का. कुछ काम किया, कुछ काम किया उसमें, तो कुछ काम करना क्या कहलाता है? डूइंग. तो ऐसे वर्ड जो डूइंग को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ काम को करने को दिखाते हैं, लाइक फ्लाई, चीटेड, हेल्प, प्ले, कम, गो, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? दीज वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट द डूइंग. सी द नेक्स्ट सेंटेंस. मोनिका इज अ स्वीट गर्ल. सो इन दिस सेंटेंस इज अ बीइंग वर्ब. See the next sentence. Father was angry with me. In this was word is being word. Right? So these words show the being. That's why these words are called verbs. ऐसे words जिसमें कोई काम करना नहीं दिखाते, वो होना दिखाते हैं. जैसे मैं कहूँ Monica is a sweet girl. तो इसमें Monica कोई काम नहीं कर रही, हम दिखा रहे हैं Monica क्या है, Monica का क्या होना दिखा रहे हैं, कि Monica एक sweet girl है. फादर वॉज एंग्री विद मी. फादर कोई काम नहीं कर रहे, हम ये दिखा रहे हैं कि फादर क्या थे, होना दिखा रहे हैं फादर का क्या होना, कि वो एंग्री थे. तो ऐसे वर्ड्स जो किसी काम को नहीं दिखाते, ये नहीं दिखाते कि कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, बस ये दिखाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, एंग्री है, स्वीट है, नाइस है, इंटेलिजेंट है. सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड बींग वर्ब्स एंड दीज आर ऑल्सो वर्ब्स. सी द नेक्स्ट सेंटेंस. अ कार हैज फोर व्हील्स. A car has four wheels. So this I'm showing the possession of a car. Next sentence. Lord Krishna had a flute. So I'm showing the possession of Lord Krishna. He had a flute. तो ऐसे वर्ड जो possession को show करते हैं, यानी दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है. तो मैं कहता हूँ कि एक कार के चार व्हील्स हैं, यानी कार के पास चार व्हील्स हैं. लॉर्ड कृष्णा हैड ए फ्लूट. लॉर्ड कृष्णा के पास एक फ्लूट थी. यानी ऐसे वर्ड जो ना ये दिखाएं कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, ना ये दिखाएं कि सब्जेक्ट कुछ है, ये दिखाते हैं कि सब्जेक्ट के पास कुछ है. वो वाले वर्ड्स भी हमारे वर्ब्स कहलाते हैं. सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड अ वर्ब डिनोट्स डूइंग, बींग और पोजेसिंग. करना, होना और पास कुछ होना दिखाएं, वो वर्ब्स कहलाती हैं. मीन्स वो वर्ड्स कहलाते हैं वर्ब्स. Right, most of verbs are doing verbs. ज्यादातर जो हमारी verbs होती हैं, वो doing verbs होती हैं, काम को करने वाली verbs होती हैं. We have separate forms of these verbs to show the present time, the past time, and the future time. So every verb has some forms. Like if I say play, first form played, second form, third form played, fourth form playing, come, came, come, coming. Go, went, gone, going. So we have to understand for to show the different tense, we have to use different forms of the verbs. Be is the only verb that denotes being.
यानी कि कोई और वर्ड होना शो नहीं करता सिर्फ बी के अलावा. सो बीइंग इज एम आर वोज वर विल बी शेल बी आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बी. तो सारी वर्ब्स बी की फॉर्म्स हैं. इज एम आर रेफर टू प्रेजेंट टाइम और दे आर यूज टू मेक जर्नल स्टेटमेंट. वोज वर रेफर टू द पास्ट टाइम. विल बी शेल बी रेफर टू द फ्यूचर टाइम. ओके तो सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड डूइंग वर्ब्स आर सो मैनी लाइक प्ले कम गो ईट ड्रिंक डांस. दिस ऑल द वर्ब्स आर डूइंग वर्ब्स. में हम कुछ काम करते हैं बट इन दिस वी शो द बींग. Only one for verb is there, that is be, and various forms are there of the be like is, am, are, was, were, will be, shall be, according to tense we have to use, right? Next slide. Have shows possessing have, has, had, will have, shall have are its various forms. Have and has refer to the present time. Had refers to the past time. Will have and shall have refer to the future time. So dear students, whenever we have to show the possession, adhikar ko show karna hai, then we need to use have. So many verb forms are there of have word like have, has, had, will have, shall have. According to tense, we use that. Let's recap. Most verbs are doing verbs. This point we have understood. Be and its form suggest being. Be और उसकी जो forms होती हैं, वो suggest करती हैं होना. Have and its form suggest possessing. तो have और have की जो forms होती हैं, वो अधिकार को show करती हैं. ये चीज़ पर हमारा हक है, वो show करती हैं. There can be no sentence without a verb. So this point is very important. Dear student, in every sentence we have to write at least one verb. Without verb, we can't make any sentence. So verb must come in every sentence. So underline the verbs in the flowing story. So dear students, you have to read this story and you have to tell me which are the verbs in these sentences. So please raise your hand if you know the answer about first sentence. A young doctor set up practice in a city. This is the first sentence. So who will let me know what is the verb in this sentence? The young doctor set up practice in a city. Please wait, let me do some setting. Please wait, let me do some setting. Okay. So who will tell me? Firstly, Ananya, you please tell me. But what's the verb in first sentence? Set up. Yes, set up is a verb in first sentence. The young doctor set up practice in a city. Yes, very good. Right answer. Okay. Now please mute to yourself, Ananya, after giving the answer. Please mute to yourself. Very good. See the second sentence. He spent his morning hours at his clinic. Who will give me the answer? Which is the verb in this sentence? Seerat, you please tell me. What's the verb in second sentence? Sir, he's... No, something else. Again, try. Seerat, again try, please. Sir... At... Okay, I tell you. In this sentence, spent is verb. You know that spend is first form, spent is second form, kharch karna, it shows the doing, right? So spent is here, verb, right? See the next sentence. In the evening, he treated patients in a free dispensary. So which is the verb here? Who will let me know? Tanmaya. Tanmay, sorry, please, you tell me. Tanmay, please tell me. Vidhi, don't start the video, please. Khushi, you please tell me. Sir, I think
treatment. You think, huh? Sir, treated. Treated, yes. Treated is first form. So only verbs like have this, features like first, second form, third form, present form, past form, and past participle form. By this also we can understand that is a verb. So in this, treated is a verb. Very good, right answer. Next sentence, after a few months, his old father visited him in the city. So who will let me know? What's the verb here? Vidhi, you please tell me. Sir, visited. Visited, yes. That's the second form. That's a verb. Very good, right answer. Next, I hope you are doing well. I hope you are doing well. In this sentence, two verbs are there. Who will let me know? Sai, you please. Yashashvi, you please tell me. Yashashvi, you please tell me. What are the verbs? Sir, doing. Sir, well. No, actually in this, yes, your half answer is rise. Right, sorry. I hope. Hope is verb here. And are doing. Are doings are verbs here. So simply, dear students, second way to recognize the verb. Just verb has that feature, you can put the ing. Sirf word, yani ki verb ek aisa word hota hai jiske saath hum ing laga sakte hain, right? Se hope hota hai, hoping hota hai na. You kya ing laga, youing kabhi hota hai word? Nahi hota. Do ke saath ing laga le, doing hota hai, yes hota hai. To jis word ke saath hum ing lagaye wo word sense de, meaning de, to wo word verb hota hai kyunki verb ke saath hi hum ing add kar sakte hain. और किसी भी वर्ड के साथ नहीं कर सकते, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू विल डू दिस एक्सरसाइज, ओके? लाइक ऑल द सेंटेंसेस आर रिटन हियर, सो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस एंड सून आई विल सेंड द आंसर की, देन यू कैन मैच योर आंसर्स, ओके? नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. Look at these sentences and the questions that follow. Ruchi likes ice cream. What does Ruchi like? Ice cream. We say ice cream is the object of the verb likes. So dear students, here we have to understand about the objects. Okay. So in the sentence, basically, first of all, we use subject. About whom and what we talk in the sentence. And then we use the verb. Verbs I have told you, like doing, happening, and being. Then we use the object, which is the receiver of the action. यानी कि पहला जो word होता है वो subject होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं. दूसरा word क्या होता है? जो हम काम करते हैं, जो doing को represent करता है, being को या happening को दिखाता है. Third जो word होता है ना वो क्या होता है? Receiver होता है उस verb का, उसको हम बोलते हैं object. Like So, हमें क्या समझना है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. सो आवर फर्स्ट थिंग इज दैट इफ यू पुट द क्वेश्चन विद व्हाट एंड व्हाट आंसर वी गेट दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. लाइक रुचि लाइक्स आइसक्रीम. रुचि जो है वो आइसक्रीम को लाइक करती है. इफ यू क्वेश्चन विद द व्हाट, व्हाट डज रुचि लाइक, कि रुचि क्या पसंद करती है, देन वी गेट द आंसर आइसक्रीम. सो सिंपली वी हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू पुट द क्वेश्चन विद व्हाट and what we what answer we get, that is the object of the verb. We say ice cream is the object of the verb likes. Likes word ka object kya hai? Ice cream. See the second sentence. Monu wastes money. What does Monu waste? Monu jo hai money ko waste karta hai. Monu kya waste karta hai? What does Monu waste? That's the money. So money is the object of waste word. Money is the object of the verb waste, right? See the third sentence. I love Rakesh. Whom do I love? Rakesh. Secondly, dear students, we have to understand if you put the question with whom also, if you get the answer, that is also called the object of the verb. It means if you question with the word and if you question with the whom and we get the answer, those words are called the objects of the verb.
सो इफ आई पुट द क्वेश्चन होम डू आई लव, मैं किसको प्यार करता हूं, राकेश को. राकेश इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लव. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल प्रेज्ड नेहा. सो प्रिंसिपल सब्जेक्ट, प्रेज्ड वर्ब एंड नेहा इज द ऑब्जेक्ट बिकॉज इफ पुट द क्वेश्चन होम डिड द प्रिंसिपल प्रेज, प्रिंसिपल ने किसकी प्रेज की, दैट्स नेहा. नेहा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्रेज्ड. Simply, dear student, we can understand if we put the question with what or whom, and if we get the answer, so what is the answer? That is the object of the verb. Clear? Next point. Now we have to understand about transitive and intransitive verbs. Look at these sentences. Ruchi likes, I love, Monu wastes, the principal praised. We notice that these sentences are incomplete. The verbs in these sentences require objects to complete their sense. These verbs are transitive verbs. A verb that require an object to complete its sense is called a transitive verb. Not only doing verbs or verbs showing possessions need objects. So dear students, in this we have to understand some words are called transitive and some verbs are called intransitive. So when you write any verb, if there is a need of writing the object with that verb, so it means that is transitive verb. If there is a no need to write, meaning is completed by itself, then that is the intransitive verb. Agar koi sentence likha aapne, usme object ko likhne ki zarurat hai, otherwise meaning complete nahi hota. तो जो वर्ब है वो कहलाएगी ट्रांसटिव. अगर मीनिंग बिना ऑब्जेक्ट के क्लियर हो जाता है तो वो क्या है, इंट्रांसटिव. सपोज आई से दैट आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, तो मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, किसको पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, वो तो लिखो लिखा ही नहीं मैंने. तो जो पढ़ाना है मीन्स टीच वर्ड है वो ट्रांसटिव है क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है मीनिंग पूरा करने के लिए. आई विल से आई टीच द स्टूडेंट्स, आई टीच इंग्लिश. इन सेम वे इफ आई राइट रुचि लाइक्स, so we need an object here, otherwise meaning is incomplete. If I say I love my parents, now love word is transitive because there is a need of an object there. Like the principal praised, to whom did the principal praised, I need an object, the principal praised Neha. Okay, so jo verbs ke baad hame object likhne ki zarurat hoti hai. Otherwise, meaning is incomplete. Those verbs are called transitive. And intransitive looks something like some sentences are there. Mohan walked. Mohan chala. The child cried. Bachcha roya. Bachcha ne chillaya. Mary laughed. The river flowed. So, these verbs aise hain. There is no need to write any object. Without object, it's giving the meaning. Right, I say I laughed, main hasa, no need to use any object. Right, so some verbs are there, the verbs are called intransitive. Why? Because there is no need to write any object, because without object meaning is clear. But when meaning is not clear, we have to write the object, then those verbs are called transitive verbs. Right, these sentences are quite meaningful. The verbs in these sentences do not require any object to complete the sense. These verbs are intransitive verbs. Same thing I have told you. A verb that does not require an object to make sense but makes good sense by itself is called an intransitive verb. Simply, we can understand if there is a need to write the object after the verb, that is transitive verb. If there is no need to write any object after the verb, that is intransitive verb. Right? Agar main kehta hu ki maine padhaya, maine kya padhaya, uski zarurat hai likhne ki. I need to say I taught English. If I say main hasa, koi zarurat nahi hai uske baad kya ka reply aa in sakta, whom ka reply aa in sakta, then those verbs are called intransitive. Right? Now let's talk about next point, that is incomplete verbs and complements. Now look at these sentences.
Johan is Annu seems. My father appears. The policeman looked. The verbs in these sentences are is, seems, appears, looked. These verbs do not make complete sense by themselves. They need some words to complete the sense. ये जो वर्ब्स होती है ना जो बी की फॉर्म होती है इज एम आर अपीयर लुक सीम राइट दिस ऑल द वर्ड्स आर वर्ब्स आर कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब्स बिकॉज आफ्टर दैट वी कांट राइट एन ऑब्जेक्ट बट इट्स मीनिंग इज इनकम्प्लीट सो टू कंप्लीट द मीनिंग वी हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट सो इफ आई सी जोहोन इज सैड सो इज हियर That's the incomplete verb. And said is the complement of this. Anu seems. Anu dikhai deti. Kya dikhai deti hai? Khush dikhai deti hai. So this is not object of seem word. That is a complement. The father appears pleased. Father dikhai deti hai. Kya dikhai deti hai? Khush pleased dikhai deti hai. The policeman looked angry. The policeman gusse mein lag raha tha. So look word is also incomplete verb. So we have to understand in English language some verbs are there. Those verbs are called incomplete verbs. Why? Because after that, to complete the meaning, we have to write the complements. Right? That's why those verbs are called incomplete. We need to learn these verbs like be form, is, am, are, was, were, will be, shall be, seems, appears, look. Right? These verbs are called incomplete verbs. The verbs in these sentences do not express an action. क्योंकि ये कोई action को show नहीं करती, कोई काम को show नहीं करती. But do not show possession also. We call them incomplete verb. The word added to them to complete the meaning and to form a complete predicate is called complement to the verb. जो उसके बाद word लिखा जाता है, that is called complement. ये जो verbs होती हैं, कोई कुछ काम को करना show नहीं करती. Like I say, Sachin is playing cricket. तो मैं ये काम को शो कर रहा हूँ सचिन की काम कर रहा है क्या काम कर रहा है क्रिकेट को खेलने का राइट इफ आई से सचिन इज अ प्लेयर कोई काम नहीं शो कर रहा कुछ काम नहीं हो रहा तो ऐसी वर्ब्स कहलाती है इनकम्प्लीट आफ्टर दैट वी हैव टू राइट कॉम्प्लीमेंट अ वर्ड रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंप्लीट प्रेडिकेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब सो आई हैव टोल्ड यू लाइक दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्स लाइक सैड प्लीज्ड हैप्पी एंग्री दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्स Recap. Transitive verb needs an object to make sense. So whenever we need to write transitive verb, so we have to write the object with the transitive verb so that we can convey the complete meaning. Intransitive verb makes good sense by itself. So with the intransitive verb, no need to write any object. Incomplete verb needs some words. And not an object to make sense. कुछ words लिखने की जरूरत होती है but वो words object नहीं होते वो कहलाते हैं complement. Now let's do this exercise. Underline the verbs in these sentences. Then write whether they are transitive, intransitive or incomplete. कुछ word कुछ sentences आप दिए गए हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है वर्ब्स आई विल टेल यू एंड यू जस्ट हैव टू लेट मी नो आर दिस वर्ब्स ट्रांसटिव और इनट्रांसटिव और इनकम्प्लीट ओके आपको बताना है कि जो वर्ब है वो ट्रांसटिव है इनट्रांसटिव है या फिर इनकम्प्लीट वर्ब्स है यू हैव टू टेल दिस ओनली राइट सो प्लीज गेट रेडी रेज यूर हैंड अबाउट द फर्स्ट सेंटेंस कोनेरा हम्पी प्लेस ब्रिलियंट चेस Konera Hampi plays brilliant chess. So, you know that plays verb there, play. So, please tell me which type of verb is that? Transitive, intransitive or incomplete? Who will let me know? Raise your hand, please. Then I will give you the chance. Tell the answer. Wait, please. Let me do some setting from my end. Okay, yes. No one has raised his or her hand. Again, I tell you, place word यहाँ पे दिया गया है
आपको बताना है कि वो ट्रांसटिव है या इनट्रांसटिव है या फिर वो इनकम्प्लीट वर्ब है। डियर स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर, डोंट बी अफ्रेड रिगार्डिंग गिविंग द आंसर। इफ योर आंसर इज रॉन्ग दैट्स ओके, बिकॉज वी आर लर्नर्स, वी आर लर्निंग द थिंग्स, वी आर नॉट परफेक्ट, सो प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर। ओके फर्स्ट आई ओके यस यशस्विनी इज देयर एंड शी विल टेल द आंसर। यशस्विनी प्लीज टेल मी, प्लीज अनम्यूट टू योर सेल्फ। इंटरेस्टिव, सॉरी सर, इंटरेस्टिव, नो दैट्स अ ट्रांसटिव, ब्रिलियंट, चेस वर्ड इज देयर, ऑब्जेक्ट है वो, राइट। तो ये क्या है हमारा, ये हमारी ट्रांसटिव वर्ब है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, राइट, दैट्स अ ट्रांसटिव वर्ब। नेक्स्ट, मदर इज कुकिंग डिनर, मदर इज कुकिंग डिनर, सो इज कुकिंग, दैट दिस टू वर्ड्स आर आर मेन वर्ब्स, सो प्लीज टेल मी। खुशी यू प्लीज टेल मी, खुशी यू टेल मी प्लीज। सर इसमें आएगा ट्रांसटिव, ट्रांसटिव यस, बिकॉज डिनर वर्ड दिया गया है, ऑब्जेक्ट है उसका, तो इज कुकिंग, दैट इज दैट्स अ ट्रांसटिव, वेरी गुड, राइट सर। After giving the answer, please mute to yourself. Next, all your answers are very impressive. All your answers are very impressive. I tell you, this is not transitive. Now we have two options, intransitive or incomplete. Vidhi, you please tell me. Vidhi, can you tell me? Yes. Sorry. Vidhi, please tell me. The intransitive. No, that is beta, that is incomplete verb. जो be की form होती है वो incomplete verb में आती है। Second sentence is cooking. यहाँ पे इसके बाद cooking भी है। यहाँ पे जो be की form है वो आ रहा है just, उसके बाद हमने complement लिखा हुआ है। राइट, एंड ट्रांसटिव तो हो ही नहीं सकती, मैंने आपको ट्रांसटिव का ट्रांसटिव ऑप्शन में निकाल दो, दैट्स इधर इंट्रांसटिव और इनकम्प्लीट, दैट्स अ इनकम्प्लीट वर्ब। ओके, शी सेइंग वेल, शी सेइंग वेल, हु विल लेट मी नो, वेल इज नॉट ऑब्जेक्ट, दैट्स एडवर्ब। वंशम प्लीज टेल मी, सेइंग वर्ड कौन सा है ये, ट्रांसटिव इनट्रांसटिव? Vansham, please tell me. Okay, I tell you, I think you don't know the answer. That is intransitive verb. Okay, Vansham. That's the intransitive verb. She is saying, well, because no object is written there. So, dear students, by this way, you have to understand. Again, I tell you, I think you are a little confused regarding this. So, three types of verb are there. Transitive, intransitive, and incomplete. Transitive verbs are those verbs after that we have, if we after that have to write any object, right? And intransitive are those verbs after that we can't write any object. देखो जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने खरीदा, क्या खरीदा, हमें ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि क्या खरीदा, तो मैंने मैंने एक पेन खरीदा, तो खरीदना वर्ब क्या है, वो ट्रांसटिव है, राइट। अगर मैं कहूँ कि मैं रोया, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, मैंने क्या रोया, मैंने किसको रोया, नहीं हो सकता, तो वहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो रोना क्या है, इंट्रांसटिव। तो जिस वर्ड के, जिस वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत होती है वो वर्ब्स कहलाती हैं ट्रांसटिव, जिसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती वो कहलाती है इंट्रांसटिव। फिर होते हैं इनकम्प्लीट वर्ब्स, ऐसी वर्ब्स जिसके जिसमें डूइंग का पार्ट नहीं होता, यानी कुछ करते नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एक टीचर हूं, तो मैं इसमें कुछ कर नहीं रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई काम कर रहा हूं, परंतु ऐसी वर्ब जिसमें हम कुछ करना नहीं शो करते, हम बताते हैं कोई पर्सन कोई चीज है, इसमें कहता हूं कि वो खुश है तो कुछ काम नहीं कर रहा, हम उसकी स्टेट बता रहे हैं कि वो हैप्पीनेस स्टेट में है,
तो ऐसी वर्ब जो डूइंग को ना रिप्रेजेंट करें, यानी कुछ करना ना दिखाएं, उनको बोलते हैं इनकम्प्लीट वर्ब। अगर मैं कहूं कि आई एम ए टीचर, एम क्या है यहाँ पे, इनकम्प्लीट वर्ब है, उसके बाद जो वर्ड है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं कहूं कि आई एम टीचिंग, अब मैं कुछ काम कर रहा हूं, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो आई एम टीचिंग क्या हो गया वहां पे, ट्रांसटिव हो गया। दोबारा समझो, ट्रांसटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत होती है कि हम क्या काम कर रहे हैं, किसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंट्रांसटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, उसका मीनिंग अपने आप में पूरा होता है। इनकम्प्लीट वर्ब्स वो होती हैं जिसमें हम कोई एक्शन शो नहीं करते, कोई काम करना शो नहीं करते, राइट। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग यू शुड ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज एंड सून आई विल सेंड द आंसर की। सो 16 सेंटेंसेस आर देयर, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द वर्ब्स, what types of verbs they are, okay? And in the next class, we will, if you find any difficulty, then you can ask from me, okay? It's enough for today. Dear students, now if you want to ask any question regarding today's class, please